जब भी हम एक C++ में कोड लिखेंगे तो किस तरीके की एरर्स प्रोग्राम में आएंगी, किन एरर्स को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये इंटरव्यू रूम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरर को अगर हम C++ में डिफाइन करते हैं तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरर। व्हाट डू मीन बाय कंपाइल टाइम एरर एंड व्हाट इज रन टाइम एरर। ये डिफरेंस अक्सर इंटरव्यू रूम में पूछा गया है। सोर्स कोड से कंपाइल होके मशीन कोड में आना, ये कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। जब हम C++ में कोड लिखते हैं तो यहाँ भी हमें कुछ ग्रामर फॉलो करनी पड़ती है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस पूरी लैंग्वेज में हमारा फोकस होगा प्रॉपर लॉजिक के साथ प्रोग्रामिंग करना। तो चलिए बात करते हैं गलतियों की और कोशिश करते हैं उन गलतियों से सीखने की, ठीक है, ताकि दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। ओके, हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं C++ में एरर के बारे में और टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, कि एरर क्या होती है, कितने टाइप्स के एरर आती हैं जब हम एक C++ का प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब देखिए, एरर का सिंपल सा मतलब होता है गलतियां, और गलतियां तो ठीक है प्रोग्राम में क्या लाइफ में भी होती है, राइट। तो गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी सीख होती है ना। ये हम एक बड़ा अच्छा कोड है कि जिसने गलतियों से सीखा वो जिंदगी में सब कुछ सीख गया। तो वही बात यहां पर भी है कि यदि आपके प्रोग्राम में एरर आती है तो बिल्कुल होगा, प्रोग्रामिंग में बिगिनिंग लेवल पे एरर्स आएंगी, लेकिन जितनी ज्यादा एरर से आप चीजें सीखेंगे, ओके, उतना नेक्स्ट टाइम वो एरर रिपीट नहीं होंगी। तो यहां पर हम यही बात करने वाले हैं। हम लाइफ की गलतियों की बात तो बाद में करेंगे, फिलहाल अभी हम बात करते हैं C++ प्रोग्रामिंग के एरर के बारे में, कि जब भी हम एक C++ में कोड लिखेंगे तो किस तरीके की एरर्स प्रोग्राम में आएंगी, किन एरर्स को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये इंटरव्यू रूम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देखिए, एज अ बिगिनर जब आप कोड लिखेंगे सो घबराने की जरूरत नहीं है अगर एरर आती है, क्योंकि आएंगी। शुरुआत जब आप कोड लिखते हैं तो शुरुआत में एरर्स आएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे लेते जाएंगे वैसे वैसे एरर मिनिमाइज होते जाएंगे, राइट। तो आप देखिए क्या होती है एरर्स, कितने टाइप के एरर आती है। ओके, तो यहां पर जब हम एरर की बात करते हैं सो बेसिकली एरर का सिंपल सा मतलब होता है मिस्टेक्स, ठीक है, कि यदि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के तो ऑब्वियसली बात है एरर आएंगे। ओके, तो एरर को अगर हम C++ में डिफाइन करते हैं तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरर जो कि C++ के प्रोग्राम में आती हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर, वन इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर, सेकंड कहलाती है लॉजिकल एरर, और थर्ड कहलाती है लिंकिंग एरर। लिंकिंग एरर, राइट, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और लिंकिंग एरर। इसी सिंटेक्स एरर को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। इसी को हम कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं। लॉजिकल एरर इज ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर रन टाइम एरर भी कहलाती है। तो अभी जो हमारा मेजर फोकस होगा वो इन दो कॉन्सेप्ट पे होगा, क्योंकि लिंकिंग एरर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक कोडिंग वाले पार्ट में आना पड़ेगा। तो जिस दिन हम C++ का कोड लिखेंगे उस दिन हम लिंकिंग एरर को बहुत डिटेल में समझ पाएंगे। तो अब ये कंपाइल टाइम एरर क्या होती है, रन टाइम एरर क्या होती है, सिंटेक्स एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर क्या होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये समझना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवन इंटरव्यू का, व्हाट डू मीन बाय कंपाइल टाइम एरर एंड व्हाट इज रन टाइम एरर। ये डिफरेंस अक्सर इंटरव्यू रूम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं गलतियों की और कोशिश करते हैं उन गलतियों से सीखने की, ठीक है, ताकि दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। ओके, तो ये यहां पर अगर मुझे एरर को समझना है तो एक बार फिर से हम बात करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर, एक C++ के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझा था, जहां पर हमने बात की थी कि C++ का जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो वो सोर्स कोड कंपाइल होता है, कंपाइल होकर वो कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, ठीक है। आफ्टर मशीन कोड ये प्रोग्राम रन होगा, और जब ये रन होगा तो हमें हमारे प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। तो आप पहली बात ये समझिए कि इस पूरी प्रोसेस में, है ना, नंबर ऑफ फाइल्स हमने पढ़ी थी कितनी क्रिएट होती है, .cpp, .obj और .exe, ठीक है। सीपीपी वो फाइल जिसमें सोर्स कोड है, ओबीजे वो फाइल जिसमें मशीन कोड है, और आउटपुट फाइल होती है हमारी exe फाइल। ये था हमारा लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने बात की थी। लेकिन अब अगर इस प्रोसेस को समझे हम, तो जब भी एक C++ का प्रोग्राम इनपुट से लेके आउटपुट तक पहुंचता है तो वो टोटल दो एनवायरनमेंट में से होके गुजरता है, ठीक है। सबसे पहला एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होके मशीन कोड में आना, ये कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, राइट।
कि यदि आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से कंपाइल होकर मशीन कोड में आ गया तो यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरमेंट, और एक प्रोग्राम का मशीन कोड से रन होकर आउटपुट में आना यह कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरमेंट। दिस इज कॉल्ड रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, सो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी एनवायरमेंट्स इन C++ प्रोग्राम, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, कंपाइल टाइम एनवायरमेंट एंड रन टाइम एनवायरमेंट। तो एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होकर मशीन कोड में आना यह कंपाइल टाइम एनवायरमेंट कहलाता है, और मशीन कोड से रन होकर आउटपुट में आना, और जब तक आउटपुट विजिबल है तब तक आपका प्रोग्राम किस एनवायरमेंट में है, रन टाइम एनवायरमेंट में। तो जब एक प्रोग्राम हम लिखते हैं C++ में तो वो एरर जो प्रोग्राम के कंपाइलेशन टाइम पे आती है, अभी हमने क्या बात की, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और लिंकिंग एरर, और हमने क्या बोला था सिंटेक्स एरर को ही हम कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। तो पहली डेफिनेशन ये होती है कि सिंटेक्स एरर होती क्या है, द एरर विच ऑकर ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर इन अ प्रोग्राम, एक ऐसी एरर जो प्रोग्राम में गलत ग्रामर के कारण आती है यह कहलाती है सिंटेक्स एरर। ठीक है, अब यह क्वेश्चन आता है सर ग्रामर की क्या बात कर रहे हैं, हमको इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे। ओके, आप देखिए किसी भी लैंग्वेज को जब आप सीखते हैं तो उस लैंग्वेज की ग्रामर होती है, इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, हिंदी की अपनी ग्रामर है, ठीक है, हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है, और ग्रामर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। आई नो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जब भी किसी लैंग्वेज को हम बोलेंगे सो वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स, और यदि मैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज में बात करता हूं तो मेरी लैंग्वेज प्रॉपर चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज करिए आई होप कि यहां जितने व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं ये मानता हूं कि आपकी इंग्लिश फैंटास्टिक है, बहुत अच्छी है, लेकिन हम एक कॉमन जनरल बात कर रहे हैं कि सपोज यदि मैं अभी आपसे बोलता हूं कि काम करो यार डेली लाइफ में हम जितने भी वर्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में इंग्लिश के, ठीक है, उनको आप एक पेपर पे लिखो कोई भी 50 वर्ड्स, राइट, तो फैन, टेबल, चेयर, बोर्ड, पेन, ठीक है, वॉच, मैं आपको बोल रहा हूं अगर मैं आपको 50 बोलूंगा 500 लिख दोगे, राइट, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपकी इंग्लिश का नॉलेज तो बड़ा अच्छा है, वोकैबुलरी तो हमारी बहुत अच्छी है, इतने सारे वर्ड हमें इंग्लिश के आते हैं, राइट, 500,000 वर्ड आपके दिमाग में है। तो अब मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, अब हम अगले एक घंटे फुल फ्लुएंसी इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, अब हम पूरी तरह से इंग्लिश में बातचीत करेंगे, तो अब यहां थोड़ी सी घबराहट होगी, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, तो यहां थोड़ी सी घबराहट होती है, राइट, क्यों, क्योंकि जब बात इंग्लिश बोलने की होती है तो आधा दिमाग तो यहां लगता है कि कुड आएगा कि वुड आएगा कि हैज बीन आएगा कि हैड बीन आएगा कि वॉज आएगा, ठीक है, तो आधा दिमाग तो हमारा ग्रामर में ही लगता है, क्योंकि हमें पता है अगर ग्रामर गलत होगी तो इंग्लिश गलत होगी, राइट, ये कॉमन जनरल कंसेप्ट की हमने बात की है। तो ग्रामर का मतलब समझ में आया, मैंने किसी को बोला यार ये बहुत अच्छा लड़का था, और बोले सर है, था कहां से, यहीं बैठा हूं मैं, राइट, तो है की जगह मैंने था बोल दिया तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका मतलब है ये कहलाती है ग्रामर, कि अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है लैंग्वेज भी गलत होगी। तो वैसे ही जब हम C++ में कोड लिखते हैं तो यहां भी हमें कुछ ग्रामर फॉलो करनी पड़ती है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि हर स्टेटमेंट सेमीकॉलन से टर्मिनेट होगा। C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यहां कमांड्स आपको केस सेंसिटिव के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया तो क्लोज भी करना पड़ेगा, ऐसे सिंटेक्सेस फॉलो करने पड़ेंगे। और यदि आप अपने प्रोग्राम में इन सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते हैं, यदि आप इन ग्रामर को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो एरर हमारे प्रोग्राम में आती है वो कहलाती है सिंटेक्स एरर, द एरर विच ऑकर ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सिंटेक्स एरर। एक ऐसी एरर जो प्रोग्राम में गलत ग्रामर के कारण आती है, दैट इज कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर। और ये एरर जब आपके प्रोग्राम में आएगी तो इस समय आएगी जब आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से ट्रांसलेट होगा मशीन कोड में। याद है मैंने आपको कंपाइलर के बारे में एक बात बताई थी कि कंपाइलर का सबसे पहला काम होता है, कंपाइलर जब भी कोड ट्रांसलेशन करता है तो सबसे पहली स्टेप में यह कंपाइलर आपके सिस्टम पे चेक करेगा सिंटैक्स एरर। सबसे पहले आपका प्रोग्राम चेक करता है सिंटैक्स एरर, राइट, कि यदि आपके प्रोग्राम में एक भी सिंटेक्स एरर है तो आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से मशीन कोड ट्रांसलेशन नहीं करेगा। तो यह कंपाइलर का सबसे पहला टास्क होता है। और यदि यही हमने डिफरेंस भी देखा था कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, कि कंपाइलर को अगर पूरा का पूरा कोड एरर फ्री मिला तो ही वो आपके कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा। तो वो जो एरर चेक करता है कंपाइलर वो होती है सिंटेक्स एरर।
कि आपने पूरा प्रोग्राम सही ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखा या नहीं लिखा है, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा या नहीं लिखा है। यदि आपने एक भी सिंटेक्स एरर की है प्रोग्राम में, देन योर प्रोग्राम विल नॉट ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड। तो सिंटेक्स एरर का मतलब यह होता है कि द एरर विच ऑकर एट द कंपाइलेशन टाइम, द एरर विच ऑकर ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर इन अ प्रोग्राम, सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। यह कहलाती है सिंटेक्स एरर, ठीक है। लेकिन देखना, कई बार ऐसा भी होगा कि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, आप लोगों के मेल आएंगे कि सर प्रोग्राम तो चल रहा है, अभी क्या होगा, जैसे जैसे स्टेप हम आगे लेंगे मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, कि आप ये प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, इसको मेल करिए। तो अब आप मुझे क्या करेंगे पता है, आप मेल करेंगे, आप कमेंट करेंगे, ओके, कि सर प्रोग्राम तो चल रहा है, आउटपुट भी आ रहा है। इसका मतलब है अगर प्रोग्राम चल रहा है और आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। क्योंकि अगर सिंटेक्स एरर होती तो आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से मशीन कोड ट्रांसलेशन ही नहीं करता। लेकिन अगर प्रोग्राम आउटपुट शो कर रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम में एरर तो नहीं है, सिंटेक्स एरर तो नहीं है। लेकिन पता है उसके बाद एक लाइन आप और लिखोगे कि सर आउटपुट तो आ रहा है लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है, मतलब जैसा चाह रहे हैं वो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है प्रोग्राम में एरर तो है बच्चे, लेकिन अब जो एरर आपके प्रोग्राम में आई है वो सिंटेक्स एरर नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर। अब आपके प्रोग्राम में जो एरर आई है वो है लॉजिकल एरर, मतलब आपने प्रोग्राम का लॉजिक गलत लगाया है। आपको लिखना सही लॉजिक था लेकिन आपने लॉजिक गलत लिखा है। तो आप समझना, सिंटेक्स एरर को ढूंढने का काम तो कंपाइलर कर देगा, इसलिए सिंटेक्स एरर पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम। हो सकता है सिंटेक्स एरर आ जाए लेकिन वो कंपाइलर बता देगा, ठीक है। यहां मेजर फोकस रखना है लॉजिक पे, क्योंकि वहां कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आपने गलत लॉजिक लिखा तो आपका प्रोग्राम गलत लॉजिक से आउटपुट शो कर देगा। तो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लॉजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। सिंटेक्स एरर तो धीरे 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 अपने आप आने बंद हो जाएंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सही लॉजिक, क्योंकि लॉजिक से ही प्रोग्रामिंग होती है। और अगर लॉजिक गलत है तो प्रोग्रामिंग कभी सही हो ही नहीं सकती। तो इस पूरी लैंग्वेज में हमारा फोकस होगा प्रॉपर लॉजिक के साथ प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में लॉजिक गलत हुए तब भी एरर आएगी, आउटपुट आएगा लेकिन आउटपुट गलत आएगा। और अगर आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, यूजर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर किसी काम का ही नहीं है, राइट। तो लॉजिकल एरर क्या होती है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरी हम बात करेंगे लिंकिंग एरर की, तो जनरली आती है प्रोग्राम में जब हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जिसको जब हम कोड में आएंगे तब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि लिंकिंग एरर क्या होती है। तो आई होप इन दो एरर्स को आपको समझ में आया होगा। सिंटेक्स एरर मतलब द एरर विच ऑकर एट द कंपाइलेशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, एंड दिस इज ऑकर ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर। और दूसरी होती है लॉजिकल एरर विच इज ऑकर एट द रन टाइम। ये है प्रोग्राम। और देखिए लॉजिकल एरर कब आएगी, जब आपका प्रोग्राम रन होगा, इन दिस टाइम, इस समय जो प्रोग्राम में एरर आती है रन टाइम पे, क्योंकि आउटपुट गलत आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। और आगे जाके हम बात करेंगे रन टाइम एरर एक्सेप्शंस भी कहलाते हैं। लॉजिकल एरर के अलावा एक और होते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे C++ में, कि एक्सेप्शन भी वो एरर होती है जो प्रोग्राम में अनवांटेड होती है और जो रन टाइम पे आती है, राइट। तो सिंटेक्स एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर क्या होती है, आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं, राइट। और सिंटेक्स एरर जनरेट कौन करता है, कंपाइलर। सिंटेक्स एरर जनरेट करने का काम है कंपाइलर का, राइट। तो जब भी हम एक C++ का प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक जितने एनवायरमेंट में से जाएगा, ये जनरेट करेगा दो एरर मेनली। वन इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर एंड सेकंड इज कॉल्ड रन टाइम एरर। जो कंपाइल टाइम एरर होती है वही सिंटेक्स एरर कहलाती है, और जो रन टाइम एरर होती है वही लॉजिकल एरर कहलाती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, अगर आई एम टेलिंग यू, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, ये मेरा 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, ठीक है, क्योंकि जितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं उन्होंने बात मानी है और वो प्लेस्ड हुए हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वाकई में वो इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस देख सकते हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा एट द एंड, TCS, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सारे टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो अभी जिसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं प्लीज उसको नोट डाउन करके रखिए। यदि आपको रियलिटी में कंपनी तक पहुंचना है तो ये मेरी श्योरिटी कि छोड़ के मैं आऊंगा आपको, कंपनी के दरवाजे तक ले जाने की गारंटी मेरी है। इंटरव्यू क्रैक करने की जवाबदारी आपकी है, क्वेश्चन यही होंगे इसकी भी श्योरिटी है। बस बने रहिए इस कोर्स में, समझते रहिए चीजों को,
और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही C++ के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहली स्टेप में वाई C++ देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ C++ देखा, प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात की, देन C++ क्यों पढ़ना है इसके बारे में हम लोगों ने बात की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की हाउ टू राइट ए प्रोग्रामिंग इन C++, एडिटर्स क्या होते हैं, आईडी एनवायरमेंट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ C++ प्रोग्राम, और अब हमने बात की एरर्स क्या होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो एरर आएंगी, शुरुआत में एरर आएंगी, तो एरर कितने टाइप की होंगी, कब आएंगी, कैसे आएंगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए इस कोर्स में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, ठीक है। चलिए तो करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।